अंकल मुझे एक छाता दे दो। ये लो बेटा। बेटा इसके पैसे कितने हुए अंकल? 150 रुपए हुए बेटा। ये लो अंकल। दोस्तों क्या आप लोगों ने देखा कि कैसे राहुल ने बिना चेक किए छाते को खरीद लिया और खरीदी हुई चीज की कोई रसीद भी नहीं ली। ये लीजिए दादाजी आपका छाता। धन्यवाद बेटा। ये क्या बेटा, ये छाता तो टूटा हुआ है। हाँ दादाजी, पर ये कैसे हो सकता है? बेटा क्या तुमने इस छाते को लेने से पहले चेक किया था? नहीं दादाजी, मैंने इसको चेक तो नहीं किया था। तो फिर बेटा क्या आपने दुकानदार से इस छाते की कोई रसीद ली है? नहीं दादाजी, मैंने कोई रसीद तो नहीं ली। कोई नहीं दादाजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी इस छाते को बदलवा कर लाता हूँ। ठीक है बेटा, ये लो बदलवा के ले आओ। अंकल ये तो आपने मुझको टूटा छाता दे दिया। नहीं बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो, पक्का तुमने इस छाते को घर पर जाके तोड़ा होगा। लेकिन अंकल मैं अपने ही छाते के साथ ऐसा क्यों करूँगा? तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन क्या तुमने यहाँ पे छाते को चेक किया था? नहीं अंकल, मैंने चेक तो नहीं किया था। सॉरी बेटा, ये तुम्हारी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से छाता चेक कर लेना चाहिए था। दोस्तों तो क्या आप लोगों ने देखा कि राहुल को उसकी छोटी सी गलती का कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा। इसलिए हम जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो हमें उसको पहले चेक करना चाहिए या फिर दुकानदार से उसकी कोई रसीद बनवा लेनी चाहिए, ताकि अगर भविष्य में वो कभी ख़राब हो जाए तो हम उसको ठीक करवा सकें या फिर हम उसको बदलवा सकें। धन्यवाद।